भूपेश बघेल ने झारखंड और उत्तर प्रदेश दौरे पर रवाना होते समय बड़ा बयान दे दिया है। रायपुर से रवाना होते समय सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र में हर साल नहीं एक बार कर्ज माफी की बात कही थी। धान खरीदी हर साल की जाएगी। भाजपा की गांधी पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा गांधी को अपनाने की कोशिश करती है लेकिन गोरसे मुर्दाबाद नहीं बोलती है। गांधी और गोरसे की विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। पदयात्रा में भाजपाई गोरसे मुर्दाबाद बोलेंगे कि नहीं, ये उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने राज्योत्सव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित करने की बात भी कही है। कोशिश यही है कि सोनिया जी से मुलाकात हो और एक तारीख के लिए निमंत्रण जो राजस्व है उसके लिए निमंत्रण दें। भारतीय जनता पार्टी गांधी को अपनाए, मैं तो पहले ही स्वागत की, अच्छी बात है, गांधी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन लेकिन वो गोडसे के खिलाफ तो बोले, गोडसे मुर्दाबाद तो कहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण के बाद 2 लाख रुपए तक के किसानों का कर्ज माफ कर दिया, जिससे करीब 34 लाख किसानों को फायदा हुआ है। किसानों की ऋण माफी से छत्तीसगढ़ सरकार रातों रात लोगों के दिलों में बस गई है। जिस कर्ज माफी को लेकर प्रदेश में यह सरकार बनी, अब उसी कर्ज माफी पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जो बयान दिया है, उस बयान ने किसानों की परेशानियों पर परेशानियां बढ़ा दी है। कवासी लखमा ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी अब नहीं होगी। सिर्फ एक बार कर्ज माफी का बोला था, ना कि बार बार। लखमा ने कर्ज माफी वाले बयान का सीएम बघेल ने समर्थन भी किया। किसानों का सवाल, कर्ज माफी पर बवाल, कर्ज माफी पर घमासान बोलना अच्छा नहीं है। कर्जा माफी एक बार हुआ है, अभी नहीं होगा, अगले साल कर्जा नहीं होगा, 2500 रुपये जरूर मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी टाइप का चुनाव के समय बोनस चुनाव के बाद कोनस ऐसा नहीं होगा। हमारा घोषणा पत्र में है 5 साल पूरा, इस साल भी 2500 मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा और 5 साल पूरा मिलेगा। कर्ज माफ हो चुका है ना, वन टाइम। अरे अभी एक ही बार के बाद बोले ना, हर साल के थोड़े बोले थे। धान खरीदी हर साल करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में, हम धान खरीदेंगे लेकिन कर्ज माफी हो एक बार के लिए। यहाँ पर सुबह आगमन और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जिस तरह से हम देखें, चित्रकूट के चुनाव निकल गए, दंतेवाड़ा के चुनाव निकल गए, लोगों को इतनी आस थी, किसानों को आस थी सरकार से देखा जाए तो, और जिस वादे को लेकर के सत्ता में ये सरकार आई उसके बाद किसानों से ही उन लोगों ने किनारा कर दिया, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, जिस तरह से आप देख रही हैं उस तरह से देखना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कर्ज माफी है उसका हर साल का वादा नहीं किया था, और किसानों को सरकार का ये कहना है कि वो लगातार 2500 रुपए धान का दे रहे हैं, तो उस स्थिति में कैसे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कर्ज माफी बार बार हर साल के लिए होगा? ऐसे तो प्रदेश के हर किसान जमीन खरीद लेंगे, हर व्यक्ति जमीन खरीद लेगा और उस पर लाखों रुपए लोन ले लेगा, और उस लाखों रुपए के लोन को क्या सरकार चुकाएगी? तो ये बात कहां से आ रही है, ये सबको हैरान कर रही है, क्योंकि कई किसान नेताओं से हमने बातचीत की, उनका कहीं कहना नहीं है कि कर्ज माफी की बात हर साल की उनको भी उम्मीद है, और विपक्ष भी आरोप नहीं लगा रही है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ये बात आ कहां रही है? हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बार बार बात आ रही है कि कर्ज माफी, कर्ज माफी। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा एक साल का जो कर्ज माफी था वो हो चुका। क्या आप लोगों ने घोषणा पत्र में हर साल के लिए जिक्र किया था कि कर्ज माफी होगी? देखिए, जहां तक कर्ज माफी की बात है तो हमने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जो चुनाव के दौरान जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसको माफ किया जाएगा, लेकिन कर्ज माफी प्रतिवर्ष होगी ये हमने कभी घोषणा पत्र में नहीं कहा। और जो वादा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है वो वादा हमने पूरा कर दिया है। जहां तक समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात है तो वो लगातार चलते रहेगी, उस पर तो कोई सवाल उठ नहीं रहा है, लेकिन कर्ज माफी की जहां तक बात है तो एक वर्ष के लिए थी, और जो किसानों का कर्जा था वो माफ हो गया, किसान खुश है। अब सवाल ये कहां से उठ रहा है, ये जांच का विषय है। यदि गलत फहमियां कोई पैदा कर रहा है तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इस तरह की गलत फहमियां कौन फैला रहा है। नहीं तो क्या लगता क्या है, क्यों ये बात बार बार उठ रही है? यही तो समझने का विषय है कि हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब सवाल करने वाले कौन है? यदि विपक्ष के नेता है तो उनको तो आज सवाल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो एक रुपए का कर्ज माफ अब 15 साल के कार्यकाल में किसानों का किया नहीं। यदि वो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उठाने का कोई औचित्य बचता नहीं।
क्योंकि जो खुद कर नहीं कर सके वो सरकार ने करके दिखाया है। राज्य की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों के ऊपर आज कोई बोझ है नहीं, कोई कर्ज है नहीं, तो इसलिए सवाल क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि चूंकि सरकार ने यह वादा किया था कि कर्जे माफ किए जाएंगे, खेती के कर्जे माफ किए जाएंगे, वो हो सकता है कि कुछ प्रक्रियाधीन हो, लेकिन मोटे तौर पर सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था उसके मुताबिक कर्ज माफ कर दिया है। लेकिन कर्ज माफी कोई उस तरह की प्रक्रिया नहीं है कि जैसे धान खरीदी होती है कि हर साल उत्पादन होता है और हर साल खरीदना पड़ता है। क्योंकि सरकार ने 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य घोषित किया है, अपने कैपेसिटी से खरीद रही है, जो उनको सेंट्रल से पैसे मिल रहे हैं, जितनी कैपेसिटी सेंट्रल छत्तीसगढ़ से ले रही है उससे ज्यादा ले रही है, और जितने भी किसी कृषि के जानकार हैं तमाम लोग इसकी तारीफ कर रही है। खेती को लेकर के सरकार ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो कर्ज माफी का फैसला हो या 2500 रुपए जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है धान की खरीदी का मूल्य, उसको लेकर के योगेंद्र यादव, देवेंद्र शर्मा जैसे जो एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे देश में, उन लोगों ने तक तारीफ की है। लिहाजा वो प्रक्रिया कांग्रेस ये जरूर कर रही, कह रही है कि उसको 5 साल चलाएंगे। अगर उसको 5 साल कांग्रेस ने नहीं चलाया तो जाहिर तौर पे जो सवाल आप पूछ रही हैं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किसानों के वादे, किसानों की बेहतरी के वादे करके आप सत्ता पर पहुंचे, लेकिन अब किसानों को दरकिनार कर दिया। लेकिन सरकार कह रही है कि वो 2500 रुपए जो देना है धान का समर्थन मूल्य वो लगातार दे। रुपेश जी, आप लगातार बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे हम। और वही